फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको C61 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को आप खाली कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्टोरेज को खाली करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन की ना गैलरी को ओपन कर लेना है, ठीक है। गैलरी के अंदर आपकी जितनी भी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखी है ना, सारी फालतू की फोटो वीडियो परमानेंट डिलीट कर देनी है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स है ना, उन सभी फालतू के ऐप को अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। इससे फोन का स्टोरेज खाली हो जाता है। अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन में काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिल जाती है, उन सभी ऐप्स में से बैकअप सेटिंग को बंद करना है। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए, एग्जांपल के लिए, मैं अपने फोन की ना गैलरी को ओपन कर लेता हूं। गैलरी में देखिए, राइट साइड के टॉप पर जो छोटी सी प्रोफाइल पिक्चर होती है ना, इस प्रोफाइल पिक्चर को आपको टैप करना है, ठीक है। तो आपका इस तरीके का पेज आता है। इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है, तो बैकअप इज ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस ऐप की बैकअप सेटिंग को यहां पर पहले से बंद करके रखा हुआ है। अगर आपकी बैकअप सेटिंग यहाँ पे चालू रहती है, तो इसके ठीक नीचे ऑफ का बटन होगा या फिर डू नॉट बैकअप लिखा होगा, उसे टैप करके आपको ना बैकअप सेटिंग को बंद कर देना है, जैसे मैंने बंद करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपको और भी जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिल जाती है, उन सभी ऐप्स में से भी बैकअप सेटिंग को बंद कर देना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, ठीक है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री रीसेट, गलती से दूसरा ऑप्शन टैप हो गया है, फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। तो आपका ये वाला पेज आएगा, इसमें सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। इससे आपका फोन जब रीसेट हो जाएगा और आपके फोन का स्टोरेज खाली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको रीसेट करने से पहले ना दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन में जो भी बाकी का बचा हुआ डेटा है ना, उसका आप बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सभी प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपकी जो फोन की स्टोरेज है वो खाली हो जाएगा, ठीक है।